अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीटेट 2019 नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जो जारी नोटिफिकेशन है उसमें कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, और काफी बच्चों के सवाल भी आ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यही था कि जिन बच्चों को मौका नहीं है आवेदन मत करना। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली हम आपसे यही कहेंगे कि काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि क्या सर आवेदन हमें करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ रहा था। तो दोस्तों अगर आपको इस बार मौका नहीं मिल रहा तो आप लोग अगली बार आवेदन करिएगा, कोई मतलब नहीं दोस्तों आपको 600 रुपए फंसाने का। देखिए दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते तो आपको 600 रुपए देना पड़ेगा, और दोस्तों उसके बाद ये भी क्लियर नहीं होगा कि आप लोग पेपर दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि दोस्तों जब आपका पेपर होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें मांगी जाती है दोस्तों। कभी कभी आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मांग लिया जाता है कि आप लोग पेपर जो बीटीसी डीएलएड या बीएड का देते हैं उसकी दोस्तों आपको फोटोकॉपी लेकर जानी पड़ जाती है कभी कभी, तो नियम चेंज होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरल ओबीसी में 600 रुपए और एससी और एसटी से आपको 400 रुपए का ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों साइबर कैफे के अलग से चार्जेस होंगे। अगर दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव होता है कि अगर आपको मौका मिल सकता है, अगर आपका पेपर जो होगा उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा तब तो आपके लिए सही है। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही थी कि टीटी 2019 के प्रश्नों पर आपत्ति करने पर देना होगा 500 रुपए प्रति क्वेश्चन के हिसाब से शुल्क। दोस्तों पिछली बार तक ये फ्री होता था लेकिन इस बार से पैसे लगा दिए गए। रीजन ये था दोस्तों कि काफी बच्चे बेमतलब की आपत्तियां कर देते थे जिसके कारण यहाँ पर समय दोस्तों काफी बेकार होता था। अब दोस्तों मान लेते हैं कि 50,000 आपत्तियां हो गई और उसमें से दोस्तों 15 से मान लेते 40,000 आपत्तियां फर्जी हैं। अब दोस्तों उनको हर एक आपत्ति को यार देखिए जांच तो करना ही पड़ेगा कि हो सकता है कि भाई बच्चा सही बोल रहा हो। ठीक है, ये बात समझिए, अगर किसी ने आपत्ति की तो हर एक आपत्ति को दोस्तों देखना पड़ता है। हो सकता है कि 40,000 में एक बच्चा सही हो और उसकी आपत्ति को छोड़ दिया जाए, तो इसीलिए दोस्तों इस बार से 500 रुपए का आपसे शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, ये शुल्क देखिए अगर आपकी आपत्ति सही है, अगर आपने जिस क्वेश्चन पर आपत्ति किया उसमें आपके नंबर बढ़ गए, सभी बच्चों के बढ़ गए, तो आपका 500 रुपया रिफंड भी हो जाएगा, पैसा वापस। अगर आपका जो आपत्ति आपने की उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो आपके 500 रुपये समझ लीजिए वहां से चले गए। ठीक है, और उसमें किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं है। तो दोस्तों डीएलएड और बीएड के बच्चे ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में बीएड में, तो पहले साल में एडमिशन आपका हुआ होगा, और डीएलएड में प्रथम सेमेस्टर, तो आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए दोस्तों। अभी काफी लंबा समय बचा है, तो अभी आप लोग हार मत मानिए यार, अभी तो शुरुआत हो रही है। ठीक है, आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आने वाले समय में दोस्तों अभी आपको काफी मौके मिलेंगे। ठीक है, तो अगले साल दोस्तों फिर से मौका मिलेगा, अगली बार फॉर्म भरिएगा। लेकिन हाँ एक बात कहेंगे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते रहिएगा, लेकिन मेन बात आपके लिए क्या है दोस्तों पता है, इस समय आप लोग अपने सेमेस्टर पर ज्यादा फोकस करिए। अभी आपकी दोस्तों स्टार्टिंग है, अभी आप इन चक्करों में मत पड़िए। नौकरी दोस्तों ऐसा नहीं कि आपके लिए नौकरी रखी है कि नौकरी आते ही आपको मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो नौकरी का रूल होता है ना सुपर टेट का पेपर, आप यूपी टेट से आप नौकरी नहीं पा पाएंगे। ठीक है, एक पेपर है बस उसको पेपर दे पाएंगे, लेकिन दोस्तों जब तक आप सुपर टेट का पेपर आप तब दे पाते हैं जब आपका बीटीसी या दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया डीएलएड हो गया डीएलएड, या दोस्तों जो बच्चे बीएड से आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद जब आपका रिजल्ट जारी होता है उसके बाद ही दोस्तों आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। अब ये मत सोचिएगा कि आप पेपर हो गया फाइनल ईयर का, रिजल्ट नहीं आया और सुपर टेट का फॉर्म आ गया, तो आप लोग दोस्तों अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब है दोस्तों, आप लोग काफी बच्चे टेंशन में लग रहे थे, कोई नहीं दोस्तों होता रहता है। ठीक है, तो बाकी की बात ये रही कि जो ऑर्डर आया था, देखिए ऑर्डर उसके लिए था दोस्तों जो बच्चों पहले पेपर दे चुके थे। जैसे मान लीजिए दोस्तों इस बार आपने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर आपने पेपर दे दिया फिर आगे चलकर आपने केस लड़ा, क्योंकि देखिए इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वहां पर साफ साफ लिखा है। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों ये रहा आपका नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन में लिखा क्या है कि पात्रता कक्षा 1 से लेकर 5 तक हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या रखी गई। दोस्तों देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी। दोस्तों ठीक है, अगर आप दोस्तों अंतिम ईयर में आते हैं फाइनल ईयर में, तो दोस्तों तब आपको मिलेगा मौका 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी। ठीक है दोस्तों, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण बच्चे, जो बच्चे या तो पास कर चुके हैं उनको मौका मिलेगा, या जो बच्चे लास्ट ईयर फाइनल ईयर में आते हैं उनको। ठीक है, अंतिम वर्ष, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात को सही से डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसके लिए दोस्तों अलग से वीडियो आपके लिए और अच्छे से प्रॉपर बनाई जाएगी, कि जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में गए हैं तो दोस्तों वो फाइनल ईयर में तो आते हैं, क्योंकि आपका जो डीएलएड का कोर्स है वो भी तो 2 साल का ही होता है। ठीक है, डीएलएड का कोर्स आपका 2 साल का है, इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो आप लोग भी अंतिम वर्ष में आते हैं, पहला साल दूसरा साल, लेकिन दोस्तों आपका पेपर सेमेस्टर वाइज होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है दोस्तों, अभी तक क्या होता था दोस्तों, जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर का पेपर पास आउट करके फोर्थ में गए, सिर्फ उनको मौका मिलता है। अब दोस्तों इसकी अपडेट हम बाद में प्रॉपर आपके लिए कर देंगे, फिलहाल कि जो बच्चे अभी अंतिम वर्ष में, क्योंकि दोस्तों होता है कि आपके पैसे हम चाहते कि बर्बाद ना हो, अप्लाई कर देंगे दोस्तों, आपके पास रिजल्ट रहेगा। देखिए उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, आप पेपर तो दे लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। मेन बात होता है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो वैलिड होगा या नहीं। अगर आप मेहनत काफी करेंगे और आपका दोस्तों रिजल्ट आकर इनवैलिड हो जाए, कोई मतलब ना हो, आपको इसका सर्टिफिकेट ना मिले, तो क्या मतलब है पैसे बर्बाद करने का दोस्तों। अगर पैसे ही बर्बाद करने, तो इससे अच्छा कहीं और करिए, तैयारी करिए दोस्तों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, वहां पर आप, ये थोड़ी नहीं होता दोस्तों कि आप 600 रुपये खाली बर्बाद करके आप जाए और सिर्फ एक पेपर देने को मिले और उसमें आप खुश हों। पेपर दोस्तों देने के बाद आपको रिजल्ट मिले, उसमें उस खुशी मिलती है, पास हो या फेल वो तो बाद की बात होती है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों जो भी इसके अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अंतिम वर्ष के लिए क्या पर यहाँ पर क्या प्रावधान रखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन काफी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि डीएलएड आपका 2 साल का कोर्स तो ये भी है। तो दोस्तों अंतिम वर्ष का मतलब अगर इस तरह लिया जाए कि 2 साल का कोर्स है तो दूसरे साल में तो अंतिम वर्ष माना जाए, तो दोस्तों आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपका मैटर सेमेस्टर से होता है। देखिए सब बीएड वाले बच्चे हैं, उनको तो मौका मिलेगा। बीएड का दोस्तों कहा था, शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी तथा उत्तीर्ण। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन है, तो बीएड का आपका 2 साल का पेपर होता है और साल भर में एक पेपर होता है और दूसरे साल भी एक पेपर होता है, टोटल 2 पेपर होते हैं, तो मतलब 2 बार पेपर होता है, 2 पेपर का मतलब। तो दोस्तों इस तरह तो बीएड वालों के लिए तो अनिवार्य है, सेकेंड ईयर में आ गए तो आप लोग को मौका मिला। तो बीएड में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, तो बीएड के बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन डीएलएड वाली बात जो रही उसको दोस्तों आगे चलकर अपडेट आपको कर देंगे। तो दोस्तों बच्चों के अंदर काफी कंफ्यूजन आ रहा था, दोस्तों पहले इस अपडेट को पूरी पढ़ लेते हैं। क्या है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा परीक्षा तिथि के उपरांत परीक्षा से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं के समस्त सीरीज की उत्तर माला प्रकाशित की जाएगी तथा अभ्यर्थी से प्रकाशित उत्तर माला के प्रति ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तर माला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने हेतु प्रति प्रश्न 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों ये बात कही गई है कि भाई सभी को 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका सही है और आपको नंबर नहीं मिला, तो आपको 500 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। अभ्यर्थी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को वापस या रिफंड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद, ठीक है। तथा दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर माला पर आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व भली भांति सुनिश्चित हो ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यार आपके 10 क्वेश्चन सही है और आपको नंबर नहीं मिला, तो 10 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 10 × 500 कर दीजिए, 500 है दोस्तों, 5,000 नहीं, ठीक है, 500 करने पर दोस्तों आपको मिलेगा 5,000 रुपए। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्शन 5,000 रुपये हो जाएगा। अगर आपने किया और आपके एक भी नंबर नहीं बढ़ते, तो समझ लीजिए आपके 5,000 रुपये डूब जाएंगे। देखिए दोस्तों सरकार ने ये दिमाग बहुत ही अच्छा लगाया है कि अब आपका यूपी टेट का जो रिजल्ट आएगा ये सब भी टाइमली आएगा, बहुत तेजी के साथ आएगा। अभी तक होता क्या था दोस्तों, यूपी टेट में हजारों बच्चे ऑब्जेक्शन कर देते थे, कोई मतलब का ऑब्जेक्शन नहीं होता था दोस्तों, पता चले 10,000 ऑब्जेक्शन हो गया, 20,000 ऑब्जेक्शन हो गया। अब वहां पर देखिए जितने भी वहां पर होते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स होते होंगे जो आपके ऑब्जेक्शन को देखते हैं, यार कैसे देख पाएंगे 10,000 ऑब्जेक्शन दोस्तों, देखने में कितना समय लगेगा, टाइम तो काफी लगता है ना। तो दोस्तों उसी को टाइम को कम करने के लिए आप देखिए होगा क्या, अगर आप लोग 500 रुपये एक क्वेश्चन का देंगे तो दोस्तों उसी पैसों से किसी न किसी की नौकरी लगेगी, आपके पैसे तो दोस्तों नए बच्चों को ज्वाइनिंग हो जाएगी और वही बच्चे आकर पैसे लेकर आपके ऑब्जेक्शन को देखेंगे, सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपके पैसे गए, उन्हीं से उनकी सैलरी बन जाएगी। तो दोस्तों एक तरह से रोजगार भी हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे बेरोजगार हैं उनसे पैसा लेकर किसी और को रोजगार दिया जाएगा। तो दोस्तों एक तरीका अपनाया गया है। तो अब इससे आपका देखिए, पहली बार तो रिजल्ट जो आपकी कही गई है 21 जनवरी 2020, तो दोस्तों काफी हद तक पॉसिबल बन जाएगा कि 21 जनवरी 2020 को आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन रही तो दोस्तों रिजल्ट भी आपका जारी होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जाते जाते हम यही कहेंगे वीडियो के दौरान भी कि जिन बच्चों को मौका नहीं है आवेदन मत करिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि चलिए ठीक है आपको मौका है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा, नहीं तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से, और आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, जो बच्चे गरीब होते हैं, जिन बच्चों के लिए 500-600 रुपये कुछ मैटर करता है, तो उनके लिए दोस्तों मत भरना। और जिन बच्चों के लिए दोस्तों, यहाँ तो देख ही रहे होंगे आजकल हजारों पैसे, 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए बच्चे ऐसे उड़ा देते हैं पार्टीज में,
तो उनके लिए दोस्तों कोई मतलब नहीं, वो तो अप्लाई कर सकते हैं, तो पैसे आता जाता रहता है उनके लिए। तो जो बच्चे ठीक है गरीब हैं, ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। जब आप लोग वैलिड हो जाएंगे तो आप लोग आराम से भरिएगा और आप लोग अपना सर्टिफिकेट लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी लंबा समय स्टार्टिंग हुई है आपके कोर्स की, डीएलएड हो या बीएड का, तो अभी आपको परेशान नहीं होना यार, स्टार्टिंग है ठीक है, अभी तो लंबा समय बिताना है ना, तो अभी शुरुआत है दोस्तों। तो जब भी जैसे अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, फिलहाल जब आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो सही रहेगा। तो ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं, तो आपका पेपर ये सब समझ गए। तो दोस्तों बात काफी बच्चों ने पूछा था एज लिमिट क्या है इसके लिए, तो दोस्तों फिलहाल एज लिमिट से यार बीटीसी में ही आपकी लग जाती है, जब आप लोग डीएलएड का एडमिशन लिए होंगे या बीएड का एडमिशन, तो दोस्तों वहां पर एज लिमिट लिया जाता है, तो अगर आप लोग वहाँ एज लिमिट को क्वालिफाई करते हैं मतलब उसके हिसाब से सही है, तो यहाँ पर भी अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है। तो एज लिमिट को लेकर आप परेशान मत होइए, सभी लोग एज लिमिट के दायरे में होंगे। रीजन यही है कि अगर आप लोग डीएलएड का जब एडमिशन लिए होंगे या बीएड का, तो वहां पर दोस्तों आपका एज लिमिट चेक किया जाता है, अगर आप लोग वहां सही थे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ जो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते और जबरदस्ती के ना भरे, नहीं तो फिर आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों एक चीज और, वीडियो खत्म होने से पहले काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, सीटेट में जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सीटेट 2019 अगर आपने दोस्तों अप्लाई कर रखा है, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के तो आपका क्या होगा। देखिए सीटेट के दोस्तों हमने कोई ऐसे वीडियोस बनाए नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, लेकिन दोस्तों उसको भी हम देखेंगे एक बार, रिव्यू करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने सोचा था यूपी टेट को टारगेट करेंगे और डीएलएड बीटीसी को। तो दोस्तों अगर आप सीटेट का भी फॉर्म भर रखें तो डेफिनेटली आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपके पैसे बर्बाद ही होंगे। अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा होगा, अगर उसमें आप दोस्तों वैलिड थे तो आपको तो मौका मिलेगा, अन्यथा दोस्तों आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दिया और वो प्रथम सेमेस्टर से थे, तो अगर आपने दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ कर फॉर्म भरा है तो सही है, अगर आपने आग बंद करके भरा है तो फिर तो आपका पैसा फंसेगा, ठीक है। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।